हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही एक्साइटिंग और न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है कि ये मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो जाते हैं। ये कैसे डेवलप होते हैं? जब हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करते हैं तो हमारे गालों में, दोनों साइड में, गाल के अंदर अंडर साइड में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप कैसे होता है, ये हमारे पीछे से लेके आगे तक, मतलब फ्लोर ऑफ माउथ से स्टार्ट होके आपका जो कॉर्नर ऑफ माउथ होता है वहाँ तक ये फैलता है। और दोनों साइड के जो बकल म्यूकोसा के अंदर की मेम्ब्रेन होती है ये धीरे धीरे करके हार्ड हो जाती है। और इसके हार्ड होने से क्या होता है कि हमारे मुँह का जो खुलना है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा और बताएगा कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में सर ऐसा हुआ कि हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह का खुलना कम हो गया है, या हम कुछ भी खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, या मीठा भी खाते हैं तो भी हमको बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले तो उसको बोलना चाहिए कि अपनी हैबिट को ब्रेक करो, मतलब जो भी आप पान, मसाला, तम्बाकू खा रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर एक बार पूरी तरह से मुंह, मतलब पूरी तरह से माउथ क्लोज हो गया, मुंह बंद हो गया, तो फिर आपको बिना सर्जरी के आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 3 mm से लेके 30 mm तक माउथ ओपनिंग हो रही है तो इस कंडीशन में हम आपको मतलब इलाज आराम से कर सकते हैं, मतलब कि मेडिसिन से इसका इलाज आराम से हो जाएगा। अब मेडिसिन में एक डेंटिस्ट क्या यूज़ करता है, सबसे पहले तो आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा, और ओरल हाइजीन मेंटेन करने के बाद फिर आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो कि जिसमें कि 8000 mcg लाइकोपीन हो वो दे सकते हैं, उसको खिलाने से भी आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। दूसरा आपका एस्पिरिलिना का 2 tablets सुबह, 2 tablets शाम खाने से भी आपका ये ठीक हो सकता है। और फिर आपको नॉर्मल ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए, ये सब करने से भी आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक तो होता है लेकिन ये इतने आराम से और इतनी जल्दी नहीं ठीक होता है। ये लगभग इससे ठीक होने में 3 से 4 महीने का पूरी तरह से समय लगेगा। मतलब एक बार आप अपना हैबिट ब्रेक कीजिए, मतलब कि अपने जो पान गुटखा खा रहे हैं उसको बिल्कुल ज़रा छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप जो दवा डॉक्टर लोग देते हैं, डेंटिस्ट लोग देते हैं, उसको आप यूज़ कीजिए, जो आप 101% ठीक हो जाएंगे। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस वैसे होता क्या है, तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। इस कंडीशन में नॉर्मल सी बात, जैसे मैंने बताया कि फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो जाते हैं, मुंह नहीं खुलता है, और अगर इसके बाद भी आप पान, गुटखा, तम्बाकू खा रहे हैं तो फिर मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो कंडीशन है ये आपका कैंसरस कंडीशन में चेंज हो जाएगा, या तो फिर आपका ट्रिस्मस ऑफ माउथ हो जाएगा, मतलब कि माउथ कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, और फिर उसका सर्जरी से ही इसका उपाय हो सकता है। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हम घरेलू तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले गुनगुना पानी लीजिए 1 glass, उसमें 1/2 चम्मच नमक डालिए, उसको अपने मुंह में भर लीजिए, खुलना नहीं कीजिएगा, मुंह में भर लीजिए, और जो माउथ का ज्वाइंट्स होता है दोनों साइड के ज्वाइंट्स को आप धीरे धीरे करके हल्के हल्के हाथों से दोनों साइड को मसाज करेंगे, और जैसे अपनी गालों पे भी मसाज करेंगे तो क्या होता है कि हमारा मुंह धीरे धीरे करके खुलना शुरू होता है, और जो अंदर की जो हार्ड हो गया है बकल का मसा मेम्ब्रेन, ये धीरे धीरे करके सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम दूसरा प्रोसेस होता है घरेलू उपाय में कि हम इसमें एलोवेरा जेल जो होता है रात को सोते समय मुंह के अंदर बकल कैविटी में अच्छे से, जहाँ पे आपका जितना भी इन्फेक्शन है, जितना भी फाइब्रोटिक मेम्ब्रेन डेवलप हो गई है, उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दें, और 15-20 मिनट बाद उसको फिर अच्छे से पानी से कुल्ला कर दें, ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। तीसरा उपाय होता है कि अगर हमारा मुंह नहीं खुल रहा है तो हम दिन में 3 से 4 बार बैलून फुलाने की कोशिश करें, जिससे कि बैलून फुलाएंगे तो हमारे जो बकल में अंदर
प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने से भी जो इसकी मसल्स हैं ये थोड़ी नरम होती हैं। अब घरेलू उपाय में हम इसको एक टमाटर रोज खाएंगे तो भी हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस 3 से 4 महीने में ठीक हो जाता है। ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए और एक सबसे लास्ट और अच्छा उपाय होता है कि हल्दी, जो हल्दी का पाउडर होता है उसको आप पानी से मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को बक्कर मुँह के अंदर जहाँ पे कि आपका इन्फेक्शन हो गया है, छाले हो गए हैं, चक्रते पड़ गए हैं, वहाँ पे लगा लें और आराम से धीरे धीरे करके दिन में 3-4 बार लगाएं, 3-4 महीने में ये आपका बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। तो ये हुआ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का आपका कि नॉर्मल डेंटिस्ट आपके क्या उपाय करते हैं और घरेलू उपाय कैसे उपाय सही होता है।